धर्म ज्योति के दर्शकों, मन में बड़े प्रकार के विचार उठते रहते हैं। मन में एक बात आ रही थी कि पिछले एक सप्ताह से देख रहा हूं, एक दिन रोज डे है तो दूसरे दिन प्रपोज डे है, तीसरे दिन वैलेंटाइन डे है तो चौथे दिन चॉकलेट डे है। यार बड़ा विचार करता हूं कि हम लोग भी, जमीन से जुड़े हुए लोग भी, हम अपने आप को पाश्चात्य संस्कृति में इन चीजों में, अरे ये गुलाब मुरझा जाएगा, ये आज एक को प्रपोज दे रहे हो वो आगे किसी को प्रपोज कर रहा होगा, आज अगर आप चॉकलेट चॉकलेट के पीछे, क्या आपके मन में अपनी सनातन संस्कृति नहीं आई? क्या आपके मन में नहीं आया कि एक स्टेशनरी डे मनाया जाए? कोई गरीब बच्चा हो है? उसको स्टेशनरी दो, उससे देखो आपको कितना आनंद, रोज डे से इतना सुख नहीं मिलेगा जितना आपको स्टेशनरी डे मना के सुख मिलेगा। आपको क्या ऐसे नहीं लगता गरीब औषधि डे दें कि गरीब को आज दवाई भेंट करेंगे? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रपोज डे मना रहे हो, किसी बुजुर्ग को हम प्रपोज करेंगे कि क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं? अरे देखो तो सही आपको कितना आनंद मिलेगा। आप एक चीज की तरफ थोड़ा सा ध्यान देकर देखना, कभी थोड़ा सा समय निकालकर आप एस्कॉन टेम्पल जाओ। विदेशी सभ्यता, विदेशी मूल के लोग हमारी सनातन संस्कृति को स्वीकार करके जीवन के आनंद सागर में, उस आत्मिक जीवन के आनंद सागर में गोते लगा रहे हैं, और हम पाश्चात्य संस्कृति में प्रपोज डे, चॉकलेट डे, रोज डे, वैलेंटाइन डे, पता नहीं क्या क्या मनाकर हम गोते खा रहे हैं, हम डूबने को बेताब हो रहे हैं। आप सबको थोड़ा थोड़ा से ना अपनी संस्कृति, अपना धर्म याद रखो, आप थोड़ा सा अपना अनुभव करो ना, आपने जो कुछ भी किया है इस सब चीजों से आपको क्या शांति मिली? नहीं मिली। मेरे कहने से आप थोड़ी सी आध्यात्मिक रुचि रखो, थोड़ा सा भी अपनी तरफ ध्यान दो, थोड़ा सा भी ये जो भी आप संसार में करते हो ना, इन चीजों की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान दोगे ना, ये आपको दुख की तरफ धकेल रहे हैं। हमारे पास जो साधन होते हैं, हमारे पास आगे अगर भोजन पड़ा हुआ है ना, हम उस भोजन में भी उत्सव मना सकते हैं, लेकिन हमारा होता क्या है? हम लोग उस समय कल्पना करते हैं फलां सब्जी अच्छी होगी, फलां रेस्टोरेंट का खाना अच्छा होगा, फलां शादी में जाएंगे तो खाना अच्छा मिलेगा, तो हम जो हमारे पास उत्सव के पल होते हैं हम उसको शोक सभा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम सनातनी है ना, हम हिंदू धर्म के लोग हैं ना, आप देखो नासा स्वीकार कर रहा है कि राम सेतु अतीत में था और आज है, आप देखो बड़े बड़े वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं कि जो ओम शब्द है ये अंतरिक्ष की एक आवाज है, और हम लोग इनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो उत्सव का एक एक पल है हम उसको शोक सभा में परिवर्तित कर रहे हैं केवल ऐश लेने के चक्कर में। आप कभी विचार तो करो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ऐश? ASH, ऐश। ऐश का मीन्स होता है राख। आप जितनी भी ऐश की तरफ जा रहे हो ना वो राख हो रही है। आप थोड़ा सा पल, मैं कहता हूं सिर्फ 15 मिनट केवल अपने आप को देखने में लगाओ कि हम कर क्या रहे हैं। हमारी जो थोड़ा सा भी संस्कार है 15 मिनट भी आप उनके ऊपर चल के देखोगे, अगर आनंद की अनुभूति ना हो फिर आप मुझसे बात करना। धर्म ज्योति के दर्शकों, सनातन संस्कृति, सनातन विचारधारा, हमारे एक एक कर्म कांड के अंदर वैज्ञानिक तत्व, लॉजिकल बातें, इन सब चीजों को थोड़ा सा भी स्वीकार करोगे ना। अब आगे होली आ रही है, नव संवत्सर आ रहा है, इसके पीछे कितने कारण हैं अगली बार मैं आपके साथ इनकी चर्चा करूंगा। इतना ही कहूंगा कि सनातन धर्म विदेश से स्वीकार कर रहा है, आगे बढ़ रहा है आनंद की तरफ, और हम लोग जितनी विदेशी सभ्यता को की तरफ बढ़ रहे हैं उतना ही हम सारे के सारे अशांति की तरफ, भौतिकता की तरफ, फुहड़ता की तरफ, अशांति, परेशानियां, तनाव। कभी किसी ने सुना था कि आज से 20-30 साल पहले की डिप्रेशन भी कोई रोग है? हैं? आज नए नए रोग इजाद हो रहे हैं, इसका कारण क्या है? हमारी भागा दौड़ी जिंदगी, हमारे पास शांति नहीं है,
हम सुख और शांति की जब तलाश करते हैं ना, तो हम एक चीज विचार नहीं करते, सुख आपके पास किसके पास नहीं है, सबके पास है, लेकिन शांति, सुख के साथ कभी भी शांति नहीं मिलेगी, सुख के साथ आपको और ज्यादा भाग दौड़ी मिलेगी, लेकिन शांति के साथ आपको इस जीवन के जो आपके पास प्राप्त साधन नहीं भी है ना, उनमें भी आपको सुख नजर आना शुरू हो जाएगा। अतः आपसे इतना ही कहूंगा, खुद को पहचानो, जब तक खुद को नहीं पहचाने, अपनी शांति को नहीं पहचाने, अपने आनंद को नहीं पहचाने, तब तक आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जय माता दी, जय देवा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।